हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए हमारी इंग्रेडिएंट्स है लहसुन और अदरक को हमने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, प्याज 4-5 प्याज को हमने चॉप करके ले लिया है, टमाटर 2 टमाटर लिया है हमने चॉप करके, 10 अंडे को हमने फोड़ कर ले लिया है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने 4 चम्मच तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे पहले। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को हम ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही पकाएंगे, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। टमाटर को भी 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर यूज किया है, आप चाहें तो 3 भी यूज कर सकते हैं अपने मर्जी से। इसको हम खोल के ही भुनेंगे जिससे पानी न छोड़े। अब हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तब तक हम अंडे को फेंट लेते हैं जब तक हमारा प्याज और टमाटर भुन जाता है। एक चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। लाल मिर्च की जगह हमने कश्मीरी मिर्च डाली हुई है, आप चाहें तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं।
नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अंडे को जो हमने घोल के रखा था इसको डाल देते हैं। इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे नहीं तो ये जम जाएगा एक जगह। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, इसको धीमी आंच पे ही पकने देंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो एक जगह ही जम जाएगा। ये कढ़ाई में जमना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। इसको हम हटा लेते हैं। ये थोड़ा ठीक होने लगा है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको थोड़ा और भून लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि ये कढ़ाई में चिपकने ना पाए, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आप इसमें अगर कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंडे की भुर्जी बनकर रेडी हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। If you like this video, please share and comment. And don't forget to subscribe my channel. Hit the bell icon. Thanks for watching.